छत्तीसगढ़ प्रदेश को रक्षाबंधन से पहले केंद्र एक बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कोरबा रायपुर एक और नए ट्रेन का लोकार्पण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव 29 अगस्त मंगलवार को बिल्हा रेलवे स्टेशन में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। अरुण साव ने रेलगाड़ी नंबर 18252 कोरबा रायपुर का लोकार्पण किया। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री मोदी लगातार सौगातें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छत्तीसगढ़ के 7 स्टेशनों को अमृत भारत मिशन योजना के तहत शामिल किया है। कोरबा रायपुर कोरबा हसदेव एक्सप्रेस का स्टॉपेज बिल्हा क्षेत्र के वासियों को मिला है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बिल्हा स्टेशन का विकास हो, इस क्षेत्रवासियों को रेलवे की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए आप सब लोगों ने देखा है, जहां जहां पर भी अवसर मिलता है सदन में भी ये बात पूरी दमदारी और मजबूती से मैं लगातार उठाते रहा हूं। रेल मंत्री जी से भी बातचीत करके लगातार ये विषय उठाते रहा हूं और आज ये सौगात मिली है। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में आपसी लड़ाई चल रही है और पूरा 4.5 साल कांग्रेस के अंतरकला का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने भोगा है और जिस प्रकार से लगातार आपस में कांग्रेस के आपसी झगड़े आ रहे हैं, जनता भी इससे परेशान है और जनता इसीलिए कांग्रेस से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ देख रहा है कि किनके राज्य में कबीरधाम जैसी घटना हुई, किनके राज्य में बिरनपुर जैसी घटना हुई और छत्तीसगढ़ में इतिहास बना कि 100 दिन से अधिक किसी गांव में धारा 144 लगा। किसके राज्य में इस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, किस प्रकार से बड़ी बड़ी घटनाएं, दिन दहाड़े घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं, हत्या की घटनाएं दिन दहाड़े हुई है, ये बताता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। और जब कांग्रेस के विधायक ही हिंसा पर उतारू हो, कांग्रेस के नेता ही हिंसा पर उतारू हो, कानून अपने हाथ में ले, तो उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी हुई है। अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न विधानसभाओं में गए थे, वहाँ के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और वहाँ की संपूर्ण राजनीतिक हालात के संबंध में कल उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, अपना रिपोर्ट, अपनी जानकारी प्रस्तुत की। उन जानकारियों का अध्ययन और उन जानकारियों पर विचार आज दिन भर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, पूरी ताकत से मजबूती से चुनाव के मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। देखिए, संपूर्ण अध्ययन करके जो हमारे पदाधिकारी गए थे उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है, उन प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, आगे भी हम जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि ईडी ने पुख्ता तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की है, जिनकी गिरफ्तारियां की है उनकी न्यायालय से अब तक जमानत नहीं हुई है और ईडी ने जिन विषयों को लेकर FIR दर्ज किया है, ये छत्तीसगढ़ के आम जनता को पता था कि कोयले में 25 रुपए की दलाली हो रही है, शराब के 2 काउंटर हैं, 1 काउंटर का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है और जब खुले हम सरकार के संरक्षण में इस प्रकार से घोटाले और भ्रष्टाचार होंगे तो ईडी तो अपनी कार्यवाही करेगी।